रूस यूक्रेन वॉर से हथियार बनाने वाली कंपनियों को फायदा हुआ है। अब जो हथियार बनाती है कंपनी उनको फायदा हो रहा है। फायदा किस तरह से हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी हथियार जो बनाती हैं कंपनियां उनको फायदा हो रहा है। उनके शेयर मार्केट में जो शेयर हैं उसमें जबरदस्त उछाल आया है। जैसे स्टिंगर है, जैवलिन की कंपनियों के शेयर में 25-30% उछाल आया है, बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, एकदम छप्पर फाड़ ये इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जर्मनी स्वीडिश कंपनी के शेयरों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और मनीष के पास मैं जाऊंगी। मनीष भी हमारे साथ हैं, यूक्रेन की धरती से हमारे साथ। आशीष भी जुड़ रहे हैं, उनसे ताज़ा हालात पूछेंगे कि इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। लेकिन मनीष मैं आपको आपके पास आ रही हूँ। पहले ये जो स्टिंगर जैवलिन कंपनियाँ हैं, जो अमेरिकी कंपनियाँ हथियार बनाती हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो गया है। जंग के बीच लगातार फायदा हो रहा है शेयर मार्केट में। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए इसी वजह से तो कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में दरअसल यूक्रेन एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड हो रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश के जो बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वो एक के बाद एक अपने हथियारों को शोपीस के तौर पर यहां इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौन कितना सही है कौन कितना गलत है। और इसी दौर में जब हथियार बनाने वाली कंपनी चाहे लॉकहीड मार्टिन हो या दूसरी कंपनी ये कहती है कि हम और अधिक रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, हम और अधिक प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो उनके इन्वेस्टर्स को उम्मीद जगती है कि अभी और युद्ध लंबा चलेगा और हमें बहुत फायदा होगा। और इस तरह से इन कंपनियों के शेयर 25-30% पिछले 2-3 महीने में बढ़े हैं। तो आप सोचिए उनका अगर प्रेशर है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में और अगर हथियार बनाने वाली कंपनियां चाहती है कि यह युद्ध लंबा खींचे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल युद्ध विराम की कोई नौबत अभी निकट भविष्य में दिखाई देगी आपको। बिल्कुल ये तो साफ है मनीष, क्योंकि अमेरिकाई वो देश है जो लगातार फ्यूलिंग कर रहा है इस पूरे वॉर की। आशीष के पास चलते हैं, यूक्रेन से हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष लगातार बता रहे हैं कि कीव में क्या हालात है। लेकिन आशीष ये जो खबर अभी हमने ब्रेक की है, अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनीज को काफी मुनाफा हो रहा है। अमेरिका तो यही चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा उसके हथियार बिके और इसलिए हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन तक पहुंचाई भी जा रही थी। इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि वॉर रुकता थमता कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। कैसे हमले जारी है रूस के यूक्रेन में? अगर अगले 2 महीने ये वॉर नहीं रुकी तो फिर आप मान के चलिए कि लगभग पूरा 2023 कैलेंडर ईयर में ये वॉर लगातार चलती रहेगी, क्योंकि उसके बाद में यूक्रेन के पास एक नया कॉन्फिडेंस होगा, एक नई एनर्जी होगी। और यूरोप लगभग 9-10 महीने के लिए अगले विंटर्स के बाद में फरवरी के बाद से वो आर्म ट्विस्ट नहीं होगा रशिया से। और 24-25 तक ऑलरेडी जर्मनी हो या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज हो, उन्होंने अपने प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं कि एनर्जी पर डिपेंडेंसी रशिया को लेकर किस तरह से कम रखी जाए। आंसरिंग योर क्वेश्चन, देखिए MIC जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है जो इस वॉर को लगातार खींच रहा है। चाहे रेथियन हो, बोइंग हो, लॉकहीड मार्टिन हो, जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं या फिर जॉइंट वेंचर्स हैं यूरोपीय कंपनीज के साथ में, उनको सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ है, ऑर्डर बुक्स फुल हो गए हैं। लेकिन क्या ये और भी आगे बढ़कर और भी अगर उनका पेट भर गया है, अगर उनके ऑर्डर बुक, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पूरी हो गई है, तो क्या इसे और भी आगे बढ़ाने की जरूरत है? ये जेलेंस्की को तय करना है। अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से सिग्नल आने शुरू हो गए हैं कि अब आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अब वो बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है आशीष, इस तरफ तो इशारा मिल गया है कि अमेरिका ही नहीं चाहता कि ये युद्ध अंत हो, युद्ध विराम जैसे कोई संकेत भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप इस वक्त यूक्रेन में हैं, ये जरूर बताइए कि इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, लोग वहां पर क्या सोच रहे हैं। आपने कल बताया कि रेजिलियंस आ गया लोगों में कि अच्छा युद्ध तो चलता ही रहेगा, लेकिन अभी क्या देख पा रहे हैं लोग? आप इतनी सुबह सुबह इस वक्त रिपोर्टिंग वहां से कर रहे हैं, आप वहां पे ताज़ा हालात बेहतर बता पाएंगे, लोगों को पढ़ पाएंगे, उनके एक्सप्रेशन पढ़ पाएंगे, इस वक्त चल क्या रहा है? लगभग 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर मैं हूँ कीव में। इनफैक्ट अभी काफ़ी अंधेरा है, पर फिर भी कोशिश करूँगा। मेरे कैमरामैन कपिल बेदी आपको पैन करके यहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश करें। मेरे ठीक पीछे जहाँ पे किस तरह से ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है या फिर लोग आ रहे जा रहे हैं, विद कैवियट की बहुत मुश्किल होगा क्योंकि एज आई सेड कि लगभग अभी 1-1.5 घंटे और लगेंगे जब सूर्योदय हो। लेकिन मैं आपको जो कुछ मैंने पिछले 2 दिनों में एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर वो ज़रूर बताना चाहूँगा।
बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोगों की फाइटिंग स्पिरिट है और यहाँ पर किसी भी तरह का एक एक जो एक फीलिंग होती है ना कि वॉर टायर्डनेस वाली बात, वो नहीं है। लोग तैयार हैं पूरी तरह से, प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ में वो फुल बैकिंग कर रहे हैं, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है। किसी तरह के हमें यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखाई देते हैं, एटलीस्ट रिसेंट पास्ट में तो नहीं दिखाई दिए हैं। और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर इम्पैक्ट पड़े, उसके बावजूद लोग आकर यहाँ पर किसी तरह का प्रोटेस्ट ना करें, यानी कि सरकार को पूरा समर्थन है, जेलेंस्की को पूरा समर्थन है, जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। शुरुआत की थी फर्स्ट डे से यूक्रेनियंस का जज्बा जो है वो बहुत ही ज्यादा था, चरम पर था वो जज्बा, और लगातार जेलेंस्की उसी जज्बे के साथ ये भी अपील कर रहे थे कि आम लोग भी यूक्रेन के आइए और रूस के खिलाफ युद्ध लड़िए। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं, आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।